स्टूडेंट्स, आई एम प्रभा कुशवाहा, योर मैथ्स टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स. जब आप मुझसे पूछते हो, मैम क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, तब यह क्वेश्चन रॉन्ग होता है ग्रामेटिकली, क्योंकि आपको मुझसे पूछना होता है, मैम क्वेश्चन नंबर 5th बताइए. तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर. बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स दैट इन मैथमेटिक्स नंबर्स आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज़ ऑर्डिनल नंबर्स एंड अनदर इज़ कार्डिनल नंबर्स. सभी को यह जानना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में नंबर को दो कैटेगरी में बांटे गए हैं. एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स और सेकंड होता है कार्डिनल नंबर. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर दिए हुए हैं. फर्स्ट रो में एप्पल्स हैं. सो हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देयर आर 10 एप्पल्स. एंड हाउ मैनी मैंगोज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देयर आर 10 मैंगोज. एंड हाउ मैनी रैबिट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देयर आर 10 रैबिट्स. तो यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि एप्पल कितने हैं, मैंगोज कितने हैं और रैबिट्स कितने हैं. लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ एप्पल, अनदर वन इज़ मैंगो, नेक्स्ट वन इज़ एप्रिकॉट, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ नेक्स्ट वन इज़ कोकोनट, नेक्स्ट वन इज़ What? What is this? This is date. Next one is guava. Next one is muskmelon. This one is orange. And this one is papaya. And this one is pear. तो यहाँ पे different types of fruits रखे हुए हैं. अभी last picture में हमने क्या देखा था कि एक ही types के things, fruits, एनिमल्स एक ही रो में रखे हुए थे. तब आपको काउंट कर लेना था कि कितने फ्रूट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं. लेकिन अभी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स रो में रखे हुए हैं. अब आपको यह बताना है, पहले तो आपसे ये पूछ लिया गया कि टोटल कितने फ्रूट्स हैं. तो यू कैन काउंट, देयर आर, कैन वी काउंट हियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देयर आर 10 फ्रूट्स. बट दीज ऑल आर डिफरेंट फ्रूट्स, है ना. तब आपसे पूछा गया कितने फ्रूट्स हैं, तो यू कैन काउंट. वन काउंट ना, कैसे काउंट करेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे हमने काउंट कर लिया, दे आर आर 10. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एप्पल कौन से पोजीशन में है, तब आप क्या बोलोगे? 1 पोजीशन में है. तो यह रॉन्ग होगा. देन यू हैव टू से एप्पल इज इन द फर्स्ट पोजीशन, मैंगो इज इन द सेकेंड पोजीशन, एंड एप्रिकॉट इज इन द थर्ड पोजीशन, कोकोनट इज इन द फोर्थ पोजीशन, डेट इज़ इन द 5th पोजिशन, गुआवा इज़ इन द 6th पोजिशन, एंड मस्क मेलन इज़ इन द 7th पोजिशन, ऑरेंज इज़ इन द 8th पोजिशन, पपाया इज़ इन द 9th पोजिशन, एंड पियर इज़ इन द 10th पोजिशन. सो इट्स स्टूडेंट्स, इट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स. यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने फ्रूट्स हैं, तो आप उसके नंबर गिन के बता दोगे. लेकिन जब आपसे यह पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है, यह कौन से नंबर पे है, तब आपको बताना होगा
कि यह फिफ्थ में है या सिक्स्थ में है या सेवन्थ में है या फर्स्ट में है। जब आपके स्कूल का रिजल्ट ओपन होता है तब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से डिवीज़न में पास हुए हो, तो आप वन डिवीज़न तो नहीं बोलते, आपको क्या बोलना होता है? फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। आपकी क्लास में कौन सी पोजीशन आई है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, आप ऐसे ही बताते हो ना। सो इट इज़ द मेन डिफरेंस। आप बताते तो हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब आप काउंट करते हो तो वो कौन सा नंबर है, और जब आप उसका पोजीशन बताते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो कौन सा नंबर है। यही हमें पढ़ना है आज के इस टॉपिक में। सो फर्स्ट नंबर इज स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर? कार्डिनल नंबर्स। व्हाट आर कार्डिनल नंबर? अ कार्डिनल नंबर इज अ नंबर दैट सेज हाउ मैनी ऑफ समथिंग देयर आर सच एज 1, 2, 3, 4, 5। तो कार्डिनल नंबर में आपको सिंपल काउंटिंग करना है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बता दोगे मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, या फिर जितने स्टूडेंट होंगे उतना बोल दोगे। लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कौन से नंबर की बेंच पे बैठता है, तब आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि 5 नंबर की बेंच पे बैठता है, आप बोलोगे 5th नंबर की बेंच पे बैठता है। दैट इज़ अ ऑर्डिनल नंबर। सो लेट्स लर्न अबाउट ऑर्डिनल नंबर्स। एन ऑर्डिनल नंबर इज अ नंबर दैट टेल्स द पोजिशन ऑफ समथिंग इन अ लिस्ट सच एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा। तो ऑर्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डिनल नंबर आपको पोजिशन बताता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पर वन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट। इसकी स्पेलिंग्स भी होती हैं। फर्स्ट की स्पेलिंग हुई FIRST। एंड टू को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। सेकेंड को ऐसा लिखते हैं, टू के बाद एनडी और स्पेलिंग SECOND। एंड थ्री को हम क्या बोलते हैं? थ्री को हम बोलते हैं थर्ड। ओके, सो अभी यहाँ पर सभी नंबर आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ एक साइड लिखे हैं कार्डिनल नंबर्स और दूसरे साइड में लिखे हुए हैं ऑर्डिनल नंबर्स। वन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट। और टू को सेकेंड। थ्री का ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? थर्ड। फोर का होता है फोर्थ। फिफ्थ इज फॉर 5। सिक्स्थ इज फॉर 6। सेवन का क्या होता है? सेवन्थ। एट का क्या होता है? 8। नाइन का होता है 9th। और 10 का होता है 10th। और यहाँ एक साइड में कार्डिनल नंबर्स की स्पेलिंग है और दूसरे साइड में ऑर्डिनल नंबर की स्पेलिंग है। आप वीडियो को पॉज कर करके इनकी स्पेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ 11 से 20 तक के कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर दिए हुए हैं और उनकी स्पेलिंग्स दी हुई हैं। जैसे कि कार्डिनल नंबर तो आपको रीड करते आता है, मैं वन बाय वन ऑर्डिनल नंबर को रीड कर देती हूँ। 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। अब यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये कार्डिनल नंबर से और इनके ऑर्डिनल नंबर लिखे हुए हैं 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th। इसी तरह से आप 1000 तक की काउंटिंग कर सकते हैं और 1000 का ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? 1000th। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप पूरी स्पेलिंग नोट कर लीजिए और 1 से लेके 1000 तक के ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर अपनी नोट कॉपी में लिख डालिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।